हेलो फ्रेंड्स, सऊदी देसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं इधर आया था ना मजरा देखने, तो भिंडी उंडी वगैरह लगाए थे, तो मैं सोचा उसका बीज वीज होगा ना तो निकाल लेते हैं, फिर लगाने के लिए हो जाए। तो मैं इधर आया तो मैं देखो ये इधर एक बैंगन का पेड़ भाई अभी तक ये सूखा नहीं है, और ये फूल फेंकना आप लोग देख सकते हैं, फूल भी फेंकना शुरू कर दिया है ये, है नहीं। तो फिर मैं देखा ये बचा हुआ था ना, तो मैं इसमें पानी डाला और इसमें देखे खाद भी डाल दिया है, और ये देखें ये खाद यहाँ पड़े पड़े ख़राब हो गया है, बारिश की वजह से इसमें पानी लग गया था ना तो ख़राब हो गया था। बाकी यहाँ पे आया था मैं बीज निकालने के लिए, तो मैं देखा खेतों में सारा बीज ऐसे ही गिर गया है। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये अभी देख सकते हैं ना, ये है ये भिंडी का बीज है, तो ये खेतों में सारा गिर गया है। ये गिरना भी सही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा गिर जाता है ना तो फिर ज़्यादा निकल जाता है, तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है। और अपने हाथ से बोने से ना एक एक आदमी मतलब एक एक बीज गिराने पर ना एक एक निकलता है, और ज़्यादा होता है ना तो कमज़ोर हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ निकाला भी हूँ, और किरण देख रहे हैं आप लोग पूरा डूबने के कगार पे, अंधेरा होने वाला है, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं, उसके बाद चलते हैं रूम पे। अभी देखें ये मैंने धनिया का बीज निकाला इसी में से, ठीक है, और ये निकाला सरसों का, तोरी जो बोलते हैं ना वो है, और ये रहा भिंडी का। आप लोग देख सकते हैं कितना निकाला है ना, बहुत है, इतना बहुत है, लेकिन फिर भी ये छोड़ देगा ना तो फिर इसी में सब गिर जाएगा, ये सब जितना है ना सब इसी में गिर जाएगा। और भी इधर तोड़ के रखा हुआ हूँ, ये देखें ये तोड़ के अभी रखा हुआ हूँ, निकालेगा नहीं निकालेगा ना, इसका बीज निकालूंगा या नहीं निकालूंगा, लेकिन बीज इसको निकाल के जरूर बाहर रखूंगा, क्योंकि जरूरत भर का निकाल लिया हूँ, और अगर बाहर नहीं निकाला ना तो फिर ये सारा गिर के ना फिर जब लगाने के टाइम पे अपने आप जमने लग जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़्यादा निकल जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा सुनसान पड़ा है भाई साहब, और वो रुक गया है, पानी नहीं होने की वजह से वो मजरा रुक गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा हरा है, जहाँ जहाँ चल रहा है ना पूरे तरीके से हरा है। बाकी इधर देख रहे हो पूरा पहाड़ तोड़ तोड़ के ना इधर गड्ढा बना रखे हैं, बाकी कुछ ऐसे दिखता है। तो अभी फटाफट मैं थोड़ा जो है वो निकालता हूँ, फिर इधर से निकलूँगा, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, ठीक है। आई हो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।